जनपद मुरादाबाद के थाना पगबड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोड़ा तैया में काले कानून को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव व मंडल प्रभारी चौधरी नौसिंह ढिल्लो के निवास पर तहसीलदार मुरादाबाद को ज्ञापन सौंपा गया और गांव के किसानों ने अपने घर की छतों पर काले झंडे लगाकर काला दिवस मनाया और सरकार का विरोध किया। किसान यूनियन नेताओं द्वारा कहा गया कि किसान आंदोलन चलते हुए लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, सरकार अभी तक आंखें बंद करके बैठी हुई है, काले कानून को वापस लेने का नाम नहीं ले रही, जिसके विरोध में किसानों ने अपने छतों पर काला झंडा लगाकर सरकार का विरोध किया और कहा कि सरकार यदि काले कानून को वापस नहीं लेती तो किसान आंदोलन चलता ही रहेगा। किसानों की अपेक्षित मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन लगातार विरोध कर रही है। इस मौके पर थाना पगबड़ा अध्यक्ष योगेंद्र कृष्ण यादव, चौकी इंचार्ज हकीमपुर राम प्रकाश अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। किसानों द्वारा अपने ज्ञापन में MSP लागू करने, किसानों के गन्ने का भुगतान समय से करने, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने, डीजल और पेट्रोल के दाम कम करने, वो ऑल MP के खाद बढ़ोतरी के लिए दाम कम करने, बिजली के दाम कम किए जाने की मांग दोहराई गई। किसान नेता से जब इस बाबत बात की गई तब उनके द्वारा बताया गया, ये देखा 6 महीने हो गए धरना चलते हुए दिल्ली और कोई सरकार सुननी नहीं, और जब तक धरना खत्म नहीं होगा जब तक सरकार सुनेगी नहीं हमारी मांगों को पूरा करवाए। क्या क्या मांगे हैं? मांगे काला कानून वापस हो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट हो, MSP लागू हो, यही है, और DL पे भी दाम बढ़ रहे हैं ये भी कम हो, खाद पे दाम बढ़ रहे हैं ये भी कम हो, किसान को नीचे ले जा रहे हैं जमीन के नीचे। किसान इस देश का अन्नदाता है और फिर भी परेशान है, दुखी है, गन्ने का कोई पेमेंट नहीं, भुगतान नहीं हो रहा। अगर काले कानून वापस नहीं लेते तो आप क्या करेंगे? चालू रहेगा, धरना नहीं हटेगा, ये बछड़े और छोड़ दिए, कह दो और तुम बोलो। क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह। कहाँ के निवासी हैं? मोड़ा तैया। जो आज ज्ञापन दिया गया क्या क्या मुद्दों को लेकर दिया? ये मुद्दे तो भाई है ही, जो भी चल रहे हैं ये सरकार को पता है इन मुद्दों का, तो 6 महीने से धरने चल रहे हैं, सरकार अंधी हुई बैठी है, बिल्कुल सुनी नहीं रही इन बातों को। ये किसान का विकास कर रहे हैं, ये विकास हो रहा है किसान का, खेतों में पशु घूम रहे हैं, झील गायें घूम रही हैं, तमाम फसलें नष्ट हो रही हैं, और इससे ज़्यादा किसान के साथ में क्या विकास होगा भाई? हाथ पे की रोटी जा रही है किसान की, खाद के रेट बढ़ा है, खाद के रेट बढ़ गए, डीजल के कितने रेट हो गए, बिजली के बिल बढ़ गए, कुल मिला के ये मांगे अगर नहीं मानी गई, सरकार अपने स्थायी रूप में नहीं आई तो सरकार फेल हो जाएगी। हम जो है BJP को गांव में भी नहीं घुसने देंगे, BJP के आदमी को भी। आज के ज्ञापन देने का क्या कारण है? क्या कारण है विज्ञापन देने का? विज्ञापन का वही है, धरना चालू है, मार ये मांगे मान नहीं रहे। कौन नहीं मान रहे? यही सरकार। अगर सरकार नहीं मानती है, काले कानून को वापस नहीं लेती है तो आप क्या करेंगे? हम तो धरना चालू रखेंगे अपना, और विरोध करते रहेंगे ऐसे ही, जब तक साथ रहेगा, दबेंगे नहीं बिल्कुल भी।